जसपुर में धान क्रय केंद्र खोलने को लेकर तथा बिचौलियों से बचाने के लिए खंड विकास सभागार में प्रशासन, किसानों, राइस मिलरों के बीच एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा के निर्देशन में तहसीलदार पूनम पंत, मंडी समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, मंडी सचिव व विषणन अधिकारियों, राइस मिलरों व भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ की गई। बैठक में अक्टूबर के 1 तारीख से ही धान केंद्रों में धान खरीद शुरू हो जाएगी। धान क्रय केंद्र खोलने को लेकर तथा बिचौलियों से बचाने के लिए मंडी समिति में प्रशासन, किसानों और राइस मिलरों को बीच में हुई किसानों की जन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए जसपुर में 20 धान खरीद कॉल सेंटर खोले जाएंगे। किसानों को धान का भुगतान 72 घंटे में किए जाने की भी बात कही गई है। जसपुर से डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप। किसानों का तैयार हो गया है धान खरीद के लिए। ये आज SDM महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें किसान, राइस मिलर और अधिकारी थे। सभी जो सहकारी समितियों के अन्य अन्य खाद्य विभाग के सभी अधिकारी थे। तो इसमें ये 20 सेंटर लगेंगे हमारे जो जसपुर क्षेत्र में, और कच्चे आड़तियों की मार्फत 30 राइस मिलों का रजिस्ट्रेशन हो गया और होएगा तो 500 कुंटल प्रति कांटे पे रोज पर डे का तुलेगा, और 500 कुंटल जो कच्चे आड़ती हैं वो खरीदेंगे। रोज की खरीदारी तय होगी। हमने यही मांग रखी है कि सुनिश्चित होना चाहिए, कांटे अगर 20 हैं तो 500 कुंटल उस पर तोल सुनिश्चित हो। अगर कच्चे आड़तियों ने लाइसेंस ले रखे हैं तो वो 500 कुंटल किसान का पर डे का खरीदारी करें और उन्हें पेमेंट 72 घंटे के अंदर दें। 1 तरीक से हमने मांग करी है कि सेंटर सुचारू हो जाए, क्योंकि अब धान पक के तैयार है, 1 तरीक से आना चालू हो जाएगा। 30 तारीख है तो 1 तरीक से हमने सुचारू करने के लिए कहा है अधिकारियों से। और पिछली दफ़ा दिक्कतें आई हैं कई तरह की, उसमें भीड़ लगी है कांटों पर, कम तोल होने की वजह से कच्चे आड़तियों ने सहयोग नहीं करा, इसलिए वो थोड़ी दिक्कत आई है। आपके आश्वस्त करा है एसोसिएशन ने भी, बार एसोसिएशन ने, जो उनका मिल एसोसिएशन था उन्होंने भी आश्वस्त करा है, अधिकारियों ने भी आश्वस्त करा है कि हम आपके वो पिछली वाली दिक्कत नहीं आने देंगे। तो हमारी टीम भी सक्रिय रहेगी, भारतीय किसान यूनियन की किसान सक्रिय रहेंगे, और हम भी किसान को अगर कोई दिक्कत आती है तुरंत उनका निस्तारण अधिकारियों से और इनसे मिलकर तुरंत हाथों हाथ कराएंगे। सभागार में बैठक आयोजित की गई है, वो आगामी धान खरीद 22-23 के संबंध में चर्चा पर चर्चा थी, जो कि उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में संपादित की गई, जिसमें राइस मिलर्स एसोसिएशन, किसान यूनियन के पदाधिकारी, समस्त क्रय केंद्र प्रभारी ने प्रतिभाग किया, मंडी चेयरमैन, मंडी उपाध्यक्ष, मंडी सचिव इत्यादि लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया, जिसमें ये भविष्य में धान खरीद किस तरह से होगी उसके संबंध में चर्चा की गई। को लास्ट ईयर से पिछले साल जो रेट था उसमें 100 रुपये का MSP सरकार ने की बढ़ोतरी की है। जो धान कॉमन, जिसे बारीक धान कहा जाता है, वो 2040 का रेट है, और जो बारीक चावल उसका 2007 का रेट सरकार ने रखा है, और पोर्टल पे ये व्यवस्था की गई है कि 72 घंटे में हम उनका पेमेंट करेंगे। एसोसिएशन की तरफ से भी और किसान यूनियन की तरफ से भी एक दूसरे को सहयोग करने का पूरा वादा किया गया कि एक दूसरे को पूर्णतः सहयोग करेंगे, चाहे धान की क्वालिटी के मामले में हो या पेमेंट के मामले में हो, एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करेंगे, जिसमें हम लोग बीच में एक मीडिएटर की भूमिका में रहेंगे, हम उसको संपादित करेंगे। खरीदेंगे मानक के अनुसार खरीदेंगे, हर काश्तकार को कोऑपरेट करना हमारा फर्ज है, वो हम करेंगे, और 72 घंटे के अंदर अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई है उसके तहत हम उनको पेमेंट करेंगे।